सो हाई एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लाइक जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि मैंने अपना IBPS क्लर्क का फॉर्म कहाँ से फिल किया है. बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहती हूँ. देखो, एक तो अपने फॉर्म में गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि फॉर्म ऐसे तो है नहीं कि बड़ा सस्ता फॉर्म है, 850 रुपये का फॉर्म है और पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है. तो फिर गलती मत करना अपने फॉर्म को भरने से पहले, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भरते हो तो आपको फिर से भरना पड़ेगा. क्योंकि कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको गलत नहीं भरनी होती, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर आपने गलत नहीं भरना है, ठीक है? अपना एड्रेस आप गलत मत भरना, अपने नाम की स्पेलिंग आप गलत मत भरना, अपना जेंडर गलत मत भरना. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस एग्ज़ाम में ही होता है कि आपको प्रेफरेंसेस भरनी है अपने बैंक की, ठीक है? तो आप एक बार जो भर देते हो, आपको वही प्रेफरेंस कंसिडर करता है फिर आपके फाइनल सिलेक्शन में. तो आप फिर बाद में उसे एडिट नहीं कर सकते. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ही उसे बहुत ही माइंडफुली आप हो करके अपना वो फॉर्म फिल करना. और टॉकिंग अबाउट कि कहाँ से भरना है, किस स्टेट से भरना है, तो आई होप कि आप सभी ने अपना फॉर्म भर दिया होगा. हालांकि हमारे पास 7-8 दिन रह जाते हैं फिलहाल अभी फॉर्म भरने के लिए, बट स्टिल अपने वक्त से अपना फॉर्म फिल कर देना. क्योंकि मुझे आदत थी कि लास्ट डे पे अपना फॉर्म भरना है, ठीक है? और ये आदत बहुत पहले से थी. तो क्या हुआ था कि 2022 में जब मैंने अपना एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे, तो वही मैं अपनी हैबिट कैरी करती चली गई, जो कॉलेज में आदत थी लास्ट दिन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना या फिर कुछ ऐसा. और क्या हुआ कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ध्यान था कि 27 को IBPS क्लर्क की विंडो क्लोज होगी, और मैं 22 की सुबह उठी हूँ और ये सोचते हुए कि शायद पता नहीं अभी काफ़ी देने, चलो भर देती हूँ फॉर्म. और 22 की सुबह जब उठी, अपना यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे मुझे पॉपअप वीडियो पॉपअप होता है अनिल अग्रवाल सर का वीडियो, जहाँ पे वो कह रहे थे कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन IBPS क्लर्क. आई वाज लाइक कि अच्छा क्या है, चलो देख लेती हूँ. तो उन्होंने कहा कि विंडो 12 बजे रात को क्लोज हो चुका है और इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आए. एंड आई वाज क्वाइट शॉक. मैंने बोला ये इतना बड़ा चांस इतनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपना हाथ से खो दिया था. तो मैंने वो फॉर्म वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई. तो हाँ, तो ये वाली सिचुएशन रही है मेरे साथ. तो तुम लोग ये गलती मत करना, मैंने तो अपनी गलती से सीख लिया है. तो अपना फॉर्म समय पर भर देना और कोई इसमें गलती मत करना, प्रेफरेंसेस सही डाल देना. आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक कौन सा है. तो कोशिश करना कि अगर वो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक में से कोई है तो उसे फर्स्ट नंबर पे डालना. और सेकेंडली, इट्स अप टू यू कि आपको आपको जो मर्जी भरना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा माइंडफुली होके अपना ये प्रेफरेंसेस वाला फॉर्म भरना, क्योंकि फिर उसे ही फाइनल प्रेफरेंसेस वाला कंसिडर किया जाएगा. बाद में आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट टू एडिट दैट और या फिर एडिट दिस और दैट, ठीक है? और इसके अलावा यार, हमारे पास RRB के लिए सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, राइट? और अब ये वाला वक्त आ चुका है कि आप दिन के 3 से 4 मॉक लगाइए. और जिससे पहले RRB PO का फॉर्म PO का एग्ज़ाम होगा, तो कोशिश करना अगर आप 4 मॉक लगा रहे हो तो 3 मॉक आप RRB PO के देना और 1 मॉक आप क्लर्क का देना, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम थोड़ा सा बाद में होगा. सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसे प्रिपरेशन करनी है, जैसा आपको सही लगता है आप वैसे प्रिपेयर करो. और अगर मतलब एक सेफ स्कोर पकड़ लो कि आप इस रेंज में लाए कर रहे हो, और वो कैसे पता चलेगा, 3-4 मॉक लगा लेना और देखना कि आप फ्रीक्वेंटली कौन सी रेंज में लाए करते हो, तो वहाँ से अपने स्कोर को थोड़ा पुल करने की कोशिश करना. वी हैव स्टिल लाइक 20 डेज और आप अपना स्कोर फिर उस हिसाब से बढ़ा सकते हो. तो इस वो और वो सिर्फ मॉक देने से ही होगा. अब जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ बैठेगा उतनी जल्दी, मतलब आपकी स्पीड आएगी और उस वजह से ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. क्योंकि सिलेबस तो आएगा इसकी, अब तो सभी का कंप्लीट हो गया होगा, जो जिसने भी सोचा था कि वो बैंकिंग एग्जाम देने जा रहा है, राइट? और अगर आपको लगता है आपके पास मॉक्स की कमी है, देन यू कैन गो फॉर टेस्ट बुक लेकर के आया है PR सेल, और जहाँ पे वो अपना मॉक देने जा रहा है फॉर 500 रुपीज़. और यहाँ पे इनके पास बैंकिंग वाले सेक्टर में लगभग 80,000 से ज़्यादा मॉक्स हैं, जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के मॉक्स मिल जाते हैं. आपको यहाँ पे सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, आपको प्रीलिम्स के फुल मॉक्स मिल जाएंगे, आपको मेंस के फुल मॉक्स मिल जाएंगे, आपको मेंस के सेक्शनल मॉक मिलेंगे, आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, आपको PYQs मिलेंगे. और हाँ, कोशिश करना कि जो इजी वाले मॉक है ना यार, वो तब देना जब आपके एग्जाम के लिए 3-4 दिन रह गए, तो इजी वाले मॉक लगा के जाना. अभी थोड़े डिफिकल्ट वाले दे दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है? ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना. और टॉकिंग अबाउट माई फ्रिक्वेंसी ऑन यूट्यूब, तो मैं आपसे मिलती रहूँगी यूट्यूब पर. मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं इतनी ज़्यादा इनएक्टिव थी. और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपने कौन सी स्टेट से अपना IBPS क्लर्क का फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है? तो दिस इज मी विजयलक्ष्मी साइनिंग ऑफ. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.